गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया। किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ हर्डमानिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिज्म किस तरीके का है, क्या वो बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, हर्मेफ्रोडाइट है। ठीक है, तो हम हर्डमानिया की बात करते हैं। हर्डमानिया कैसा एनिमल है, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट इन नेचर। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, एक सिंगल बॉडी के अंदर। इसको अगर हम प्लांट में, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं मोनोशियस, बिल्कुल वैसे, यानी कि एक ही बॉडी होगी और एक बॉडी के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे। अब जब भी ऑर्गेनिज्म आपका हर्मेफ्रोडाइट होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए ना जाके क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। हर्मेफ्रोडाइट है, खुद से गैमेट बना सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर ले, है ना, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनिज्म जाएगा। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है तो आपको ये देखना है कि ऑर्गेनिज्म प्रोटोगाइनस कंडीशन में है या प्रोटोएंड्रस कंडीशन, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए उसे पहले सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब या तो गाइनोशियम, या कहें कि हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका मैचुरेशन पहले हो रहा है, ओवा की फॉर्मेशन पहले हो रही है, या हो सकता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो गैमेट्स बन रहे हैं, मेल गैमेट्स, उनका फॉर्मेशन पहले हो रहा है। एक पर्टिकुलर गैमेट पहले बनेगा तभी यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की कंडीशन होती है, प्रोटोगाइनस या फिर प्रोटो एंड्रस कंडीशन। हर्मेफ्रोडाइट की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। प्रोटो का मतलब, प्रो का मतलब होता है बिफोर, गाइनस मतलब यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमेट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होंगे उनका मैच्यूरेशन पहले होगा एज कंपेयर टू दी मेल गैमेट्स। ठीक है, यानी कि ओवरी का मैच्यूरेशन होगा पहले और एग का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन होगा, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, अब हम समझते हैं किस तरीके की यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट वी विल कवर कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें किस तरीके से आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो सब जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या ऑर्गेनिज्म बायसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। अगर बायसेक्सुअल है तो क्या कंडीशन है, प्रोटोगाइनस है, प्रोटोएंड्रस कंडीशन है। फिर दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें हर्डमानिया के केस में देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का सिंपली मतलब ये है कि जब ये ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जायगोट बनेगा और जायगोट से जो अडल्ट बनेगा उसके बीच में लार्वल कंडीशन आने वाली है, मतलब फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग के बाद लार्वा बनेगा और लार्वा से हमारा अडल्ट बनने वाला है। इस तरीके की जो डेवलपमेंट होती है उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट हो रहा है यानी कि एग से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बन रहा, बीच में एक लार्वल कंडीशन आती है। हर्डमानिया के केस में ये जो लार्वल कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टैडपोल लार्वा। ठीक है, कौन सा लार्वा है, टैडपोल लार्वा। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो ठीक है, बट ये जब हम लोग कहते हैं लार्वा टू अडल्ट में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसको एक फिनोमेना कहा जाता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं, यानी कि लार्वा का अडल्ट में कन्वर्जन होना इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आप दो तरीके का पढ़ते हो, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म हो सकता है और प्रोग्रेसिव हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टाइप की, नाम से पता चल रहा है कि चीजें प्रोग्रेस में जा रही हैं, तो इसमें जब लार्वा से अडल्ट बनेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि इस कन्वर्जन के टाइम पे अडल्ट जो होगा वो मोर एडवांस होगा, यानी कि उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो ज्यादा एडवांस होंगे। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव टाइप, रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है लार्वा
के पास ज्यादा एडवांस फीचर है एज कंपेयर टू अडल्ट, यानी कि जब इसका कन्वर्जन होने वाला है अडल्ट में तो इसके एडवांस फीचर का डीजेनरेशन हो जाएगा। हम हार्डमानिया की बात कर रहे हैं, हार्डमानिया के अंदर हमें जो मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है दैट इज ऑफ रिट्रोग्रेसिव टाइप। रिट्रोग्रेसिव का मतलब ये होगा कि इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे जो लार्वा बनेगा वो लार्वा ज्यादा फीचर्स के साथ है, ज्यादा एडवांस फीचर के साथ है। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो ये जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, और हमारा हार्डमानिया अडल्ट कैसा होता है, सेडेंट्री इन नेचर है। तो एडवांस फीचर किसके अंदर है, ऑफ कोर्स फ्री स्विम कर रहा है, फ्री स्विम कर रहा है तो अपने लिए फूड भी खुद सर्च कर सकता है, उसके पास उसका इनलार्ज हैबिटेट भी होगा, है ना। तो टैडपोल लार्वा फ्री स्विमिंग है, दैट इज अ एडवांस फीचर इज कंपेयर टू द अडल्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज सेडेंटरी इन नेचर। दूसरा कहें टैडपोल लार्वा के अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम कहें या नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अडल्ट के अंदर यही नर्वस सिस्टम कैसा हो जाता है, डीजेनरेटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लार्वा टू अडल्ट में जब कन्वर्सन होता है तो एडवांस फीचर यहाँ पर लूज हो जाते हैं, उनका डीजेनरेशन हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं कि किस तरीके की ये स्ट्रक्चर है, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो सबसे पहली चीज कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको हम क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं इन केस ऑफ हार्डमानिया। गोनाड्स का पोजीशन कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ है, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो आपको पता है हार्डमानिया का अडल्ट बॉडी बाहर टेस्ट से कवर है, अंदर मेंटल प्रेजेंट है, सॉफ्ट पोजिशन है ना, और उसके अंदर हमें सारी उसकी पोलैरिटी पता है, विच वन इज द इंटीरियर साइड, जो ब्रैंकियल साइफन होता है वो इंटीरियर साइड है, एंड देन एट्रियल साइफन हमारा डोर्सल साइड होती है, ठीक है। मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको इसकी लोकेशन समझ में आ सके, अगर मैं आपको यहाँ पे ओरली बताना चाहूँ तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं कहाँ पर होगा। अगर आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम याद है तो हमने इंटेस्टाइन के बिल्कुल पास में देखा था, है ना। तो दो लार्ज गोनाड प्रेजेंट होते हैं एम्बेडेड इन द मेंटल, एक लेफ्ट साइड में होगा एक राइट साइड में होगा। लेफ्ट वन जो है वो इंटेस्टाइन की लूप में सिचुएटेड होता है, राइट वन जो होता है वो डोर्सल टू द हार्ट, ठीक है। ये इसकी लोकेशन एज यू कैन सी इन दिस नोट्स के इन द लूप ऑफ इंटेस्टाइन राइट साइड वाला जो प्रेजेंट है दैट इज डोर्सल टू द हार्ट। क्या लेंथ है, 3 × 1 cm इसका लेंथ होता है, कंसिस्ट ऑफ 10 to 25 लोब लेइंग इन टू रोज, यानी कि दो रो होगी, बीच में डक्ट होती है, उसके अलोंग यहाँ पर 10 to 25 लोब्स होते हैं, गोनाडल लोब्स होते हैं जो अरेंज होते हैं, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट है इसीलिए इसके अंदर जो टेस्टिक्यूलर रीजन होगा, जो ओवेरियन रीजन होगा, दोनों एक दूसरे के साथ सिचुएटेड होते हैं। जैसे अगर मैं एक रफ डायग्राम यहां से बनाऊं तो कुछ इस तरीके के गोनाड्स की स्ट्रक्चर होगी। सबसे लार्ज वाला जो पीछे वाला जो गोनाड होता है ना वो सिंगल होगा, बाकी सभी यहाँ पर पैर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको गोनाड की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ और आपको ये भी आइडिया लग सके कि आपको एग्जाम में किस तरीके से उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, राइट। ये हमारे गोनाडल लॉब है, ठीक है। अब इन गोनाडल लॉब के अंदर दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर अलग अलग कलर में यहाँ पे मैं डिक्टेट करना चाहूं तो जो आउटर रीजन होता है, दिस आउटर रीजन, दिस इज नोन एज द टेस्टिक्यूलर रीजन, एंड ये रेडिश कलर में होगा। आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जब आप देखोगे तो इट इज ऑफ रेडिश कलर, ठीक है। इस गोनाड का कलरेशन रेडिश है और इस रेडिश कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो रीजन है दिस इज दी टेस्टिक्यूलर रीजन, ठीक है। यानी कि यहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है, दैट इज स्पर्म। अब यहां पर जो स्पर्म होते हैं या ओवा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से वाटर करंट के थ्रू, एक्स करंट मतलब वाटर ओपन सी में वो रिलीज आउट हो जाते हैं आफ्टर फॉर्मेशन, और बाहर ही उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो मैच्यूरेशन होगी इसी रीजन के अंदर उन गैमेट्स की, बट ऑफ कोर्स वो मैच्यूरेशन के बाद रिलीज हो जाते हैं।
तो इन सभी टेस्टिक्यूलर रीजन से कुछ छोटी छोटी डक्ट्स निकल रही होती है जिसको हम टेस्टिक्यूलर डक्ट कहते हैं। तो अगर मैं यहां से डिनोट करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से एक टेस्टिक्यूलर डक्ट है जो इस तरीके से निकली हुई होगी। हर एक टेस्टिस से यहां से छोटी छोटी डक्ट्स है जो इस टेस्टिक्यूलर डक्ट के अंदर, जो मेन डक्ट है हमारी, उसके अंदर इस तरीके से ओपन हो रही होगी और वो मेच्योर स्पर्म को यहाँ से रिसीव कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से नैरो बना लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाए। यस, ठीक, कुछ इस तरीके से वो उनको रिसीव कर रही है। ये हो गया टेस्टिक्यूलर रीजन। ठीक है, अब टेस्टिक्यूलर रीजन के बाद बात आती है ओवेरियन रीजन की। तो ओवेरियन रीजन कैसा होता है, एक पिंकिश कलर ओवेरियन रीजन होता है। यहां से हमारा पिंकिश कलर हो गया। ओके, तो अंदर की तरफ जो रीजन होगा, दिस पिंकिश कलर इज द ओवेरियन रीजन। ठीक है, जिसके अंदर ओवा बनने वाला है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि दो गोनाड है, इन गोनाड के अंदर लोब्स हैं, 10 to 25 लोब है। जो लार्ज वन सबसे लास्ट वाला होता है वो एनलार्ज इन साइज होता है। दोनों रीजन कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं कि आउटर रेडिश कलर का टेस्टिक्यूलर रीजन है, अंदर वाला पिंकिश कलर का ओवेरियन रीजन होता है। ठीक है, दोनों से अलग अलग डक्ट निकल रही होती है। जो हमारा टेस्टिक्यूलर रीजन है वहां से टेस्टिक्यूलर डक्ट निकल रही होती है, या स्पर्मिड्यूकल डक्ट हम उसे कह देते हैं। और जो हमारे ओवरी है इनसे एक और डक्ट निकल रही होती है जिसे हम ओवी डक्ट कह देते हैं। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर एक पिंक कलर की डक्ट दिखा देती हूँ, दिस इज दी ओवी डक्ट। दोनों कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड होती हैं, कुछ इस तरीके से रिसीव कर रही हैं हर एक रीजन से। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर, इस तरीके से वो स्पम को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, आपको दो अपरेचर मिलेंगे, एक पिंक कलर का अपरेचर मिलेगा और दूसरा हमारा रेड कलर का अपरेचर मिलेगा। जो पिंक कलर का अपरेचर है उस अपरेचर को हम यहाँ से नाम दे सकते हैं ओवी डकल अपरेचर। जो हमारा रेड कलर का है, क्योंकि यहां से स्पर्म निकलने वाला है, इसको मैं स्पर्मी डुकल अपरेचर कह सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरी डक्ट हो गई। बाकी हम यहाँ से इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से गोनाड की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे गोनाड से ये ओवी डक्ट है हमारी जो ओवा रिसीव कर रही है। यहाँ पर हमारे पास दो अपरेचर हो गए, ओवी डकल अपरेचर और स्पर्मिडुकल अपरेचर। क्लियर, तो इस तरीके से दो गोनाड्स है लेफ्ट और राइट साइड में। लेफ्ट वाला इंटेस्टाइन की लोब में है, राइट वाला हार्ट के बिल्कुल पास में लोकेट है। ठीक है, कलरेशन से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जब जैसे ही गैमेट्स को बनाएंगे अपनी पर्टिकुलर डक्ट के अंदर उन गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं। तो ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब गैमेट जो बने हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। यस, अब बात करते हैं हम गैमेट्स की। तो सबसे पहले हम मेल गैमेट की बात कर लेते हैं। तो मेल गैमेट कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का होगा। आगे एक क्रोमोसोमल रीजन है, एक नेक रीजन होती है, और क्योंकि ये मोटाइल है इसलिए इसमें एक हमें टेल देखने को मिलेगी। ये बीच वाला जो रीजन है मिडिल रीजन, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है या जेनेटिक मटीरियल हम कहें। आगे वाला जो रीजन है इट इज नोन एज द एक्रोसोम, एक्रोसोम। दिस वन इज द नेक रीजन, मिडिल पीस, और पीछे क्या है, टेल है। ठीक है, अब हार्डमानिया के अंदर जो मेल गैमेट होता है इट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये है कि ये जो एक्रोसोम और नेक का साइज है, बेसिकली हम बात करें तो नेक नेक जो है इसके साइज के वेरिएशन के ऊपर अलग अलग मोर्फोलॉजी वाले हमें गैमेट्स देखने को मिलते हैं। हो सकता है कुछ हमारे ऐसे गैमेट्स है जिसके अंदर इस नेक का साइज बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है एज कंपेयर टू दिस एक्रोसोमल रीजन। हो सकता है ये नेक बहुत ही छोटी है, हो सकता है कि इसका साइज कंपैरेटिवली हमारा जो एक्रोसोमल रीजन है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट हो। तो अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले मेल गैमेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल इन ओवर अगर हम कहें तो जो मेच्योर स्पर्मेटोजोअन होता है या मेल गैमेट जिसे स्पर्म कह रहे हैं, उसका लेंथ है 4 mm इन लेंथ। Each sperm has ovate head bearing a long beak shaped acrosome, middle piece और एक long tail होती है। ठीक
ठीक है, पॉलीमॉर्फिक है, साइज वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं ओवा कैसा होगा। ओवा हमारे पास इमोटाइल है, मोशन नहीं कर सकता, किसी तरीके का लॉकीमेट्री ऑर्गन इसके पास नहीं। अब कैसी स्ट्रक्चर होगी देखिए, एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में हमने बना लिया न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर है हमारा न्यूक्लियस, राइट। इसके अराउंड मैंने बना लिया यहां पर एनवलॉप, फर्स्ट एनवलॉप। ये एनवलॉप क्या है, ये हमारा एग का विटलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं प्री विटलाइन स्पेस। अब देखिए हमारा जो हेडमानिया का एग होता है, दिस एग इज ऑफ माइक्रोलेसिथल टाइप। माइक्रोलेसिथल टाइप का मतलब ये होता है कि इसमें योक एक्यूमुलेटेड होगा, बट ऑफ कोर्स बहुत कम अमाउंट में और यूनिफॉर्मली इस साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेटेड है। तो ये योक है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, ईसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, यानी कि किसी एक साइड पर, किसी एक पेरिफेरी पर वो लोकेट होगा, राइट। यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन को कवर करके रख रही है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर और प्री विटेलाइन स्पेस में कुछ यहाँ पर फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दीज आर द फॉलिकल सेल्स। इन फॉलिकल सेल्स का काम क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म एंटर करेगा, तो स्पोलिस्पर्मी को इंड्यूस करने के लिए, या कहें कि फर्दर कोई और स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन ना कर सके, उसके लिए, पॉलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए ये फॉलिकल सेल्स काम करती हैं। फॉलिकल सेल्स यहाँ पर एक बैरियर की तरह काम करेगी, किसमें प्रेजेंट है, प्री विटलाइन स्पेस के अंदर। और इस स्पेस के अंदर प्री विटलाइन फ्लूइड होता है, तो कुछ फॉलिकल सेल इस तरीके से इस फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इनका मेन काम क्या है, जैसे फर्टिलाइजेशन इंड्यूस होगा, पॉलिस्पर्मी को प्रिवेंट करना। इस प्री विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर दो और मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं इनर कोरोइन मेम्ब्रेन और आउटर कोरोइन मेम्ब्रेन, ठीक है। एक इनर कोरोइन है, एक आउटर कोरोइन है, और आउटर कोरोइन पर भी यहाँ पर कुछ फॉलिकल सेल्स पड़ी हुई होती हैं। तो दो लेयर है हमारे पास फॉलिकल सेल की, आउटर फॉलिकल सेल और इनर फॉलिकल सेल्स। इन इनर फॉलिकल सेल्स का काम होता है पॉलिस्पर्मी को प्रिवेंट करना, और बाहर वाले का काम एक तरीके से प्रोटेक्शन का है, एग को प्रोटेक्ट करना। तो कुछ इस तरीके से फॉलिकल सेल्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एग के बाहर बनाती है। बस इतनी ही स्ट्रक्चर आपको याद करनी है रिगार्डिंग दी एग, ठीक है। इस डायग्राम में देख लेते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस है, ईसेंट्रिक टाइप का न्यूक्लियस होता है। अंदर आप जो देख रहे हो ना, दिस इज योक, एक्यूमुलेटेड योक है, क्योंकि जो लार्वा होता है वो फीड नहीं कर सकता, ठीक है। लार्वा अपनी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन लेता है वो इसी एक्यूमुलेटेड योक से लेने वाला है, और जैसे योक का अमाउंट खत्म होता है, लार्वा किसी एक सुटेबल प्लेस को सर्च करके वहां पर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो लार्वा है वो इसी योक से, एक्यूमुलेटेड योक से अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन लेने वाला है, ठीक है। इसलिए इसमें माइक्रोलेसिथल टाइप है, लेकिन इसमें योक की वजह से ही न्यूट्रिशन मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय को, ठीक है। यहाँ पर आप फॉलिकल सेल्स देख पा रहे हो, इनर फॉलिकल सेल्स, और ये जो स्पेस है, दिस इज द प्री विटलाइन स्पेस। इसी प्री विटलाइन स्पेस के अंदर ये फॉलिकल सेल्स होती हैं। फिर हमारे पास एक कवरिंग है जिसे हम इनर कोरोइन कह रहे हैं, फिर हमारे पास आउटर कोरोइन है, और बाहर कुछ फॉलिकल सेल्स होती है। तो ये हो गया गैमेट का साइज, यानी कि इस तरीके से शेप उनका ऐसा साइज होता है, ठीक है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देखो हर्मीफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से हर्डमानिया क्या करता है, प्रोटोगाइनस कंडीशन है, हर्मीफ्रोडाइट है, तो ये क्या करेगा, जैसे गैमेट मेच्योर हुए, ये सारे के सारे गैमेट्स को एट्रियल साइफन में रिलीज कर देता है। आपको याद है एट्रियल साइफन के अंदर ही एनस की ओपनिंग है, एनस के जस्ट नीचे ओविडकल फनल जो है, हमारी ओविडकल जो एपरेचर है उसकी, वो एपरेचर वहीं पर लोकेट होता है, यानी कि ओविडक्ट की ओपनिंग है। देन उसके नीचे स्पर्मिडकल एपरेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो भी गैमेट बनेगा, चाहे स्पर्म बना, ओवा बना, वो सारा का सारा एट्रियल साइफन में रिलीज हो गया। एट्रियल साइफन में से एक्सकरंट होता है, यानी कि वाटर बाहर निकल रहा होता है। वाटर जब बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि गैमेट्स भी बाहर चले जाते हैं, और बाहर इन द ओपन सी ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बात ये आती है कि ये ऑर्गेनिज्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो मान लीजिए ए हर्डमानिया है हमारे पास, उसने क्या किया, गैमेट को रिलीज कर दिया। बट जरूरी तो नहीं है कि सेकेंड हर्डमानिया ने भी गैमेट को रिलीज किया हो। तो इसके लिए क्या होता है, जो न्यूरल ग्लैंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी,
ये न्यूरल ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। उससे क्या होगा कि समटाइम जो नेबरिंग हर्डमानिया होगा उसको भी सिग्नल मिलेगा कि वो भी उस टाइम पे अपने गैमेट्स बनाए और उनको ओपन सी में रिलीज कर दे। और इसी तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ओपन सी में दोनों गैमेट प्रेजेंट है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, एग बना, एग एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रॉय से लार्वा बनेगा। लार्वा कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, फ्रीली स्विम कर सकता है, वो फ्रीली स्विम करेगा और स्विम करके अपनी एक सुटेबल जगह को फाइंड आउट करेगा, ताकि वो अडल्ट में जब उसका कन्वर्जन हो तो सुटेबल प्लेस पर वो आराम से सेडेंटरी नेचर में कन्वर्ट हो सके। तो इसमें लार्वा के एडवांस फीचर होने का एक बेनिफिट ये भी है, क्योंकि हर्डमानिया का अडल्ट सेडेंटरी नेचर होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन लार्वा जो है वो मूव कर सकता है, इसीलिए वो अपने लिए एक सुटेबल एनवायरमेंट को सर्च कर सकता है और यही उसके एडवांसमेंट का एक रीजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही लार्वा एक सुटेबल एनवायरमेंट को सर्च कर लेगा, वो अपना सबस्ट्रेटम ढूंढेगा, उस सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होगा, क्योंकि उसके पास कुछ एडहेसिव पैपिला प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कुछ एडहेसिव पैपिला प्रेजेंट होती है, और उन एडहेसिव पैपिला की हेल्प से अपने आप को सबस्ट्रेटम पर अटैच करेगा। एंड देन उसके जो हम लोग कह सकते हैं, पहले वो योक से न्यूट्रिशन ले रहा था, अब जैसे जैसे वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर हमारा कैसे क्या हो जाएगा, वाटर करंट एंटर करेगा, एंड देन वापस वो अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद सेम उसकी वही फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी जो अडल्ट में हमने अभी तक पढ़ी है। अब इसका जो टेटरपोल लार्वा है उसमें किस तरीके से मेटामॉर्फिसिस होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अगर आपको समझ में आया, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।